हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले इंग्लिश की एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है द वीगो। द वीक का मतलब होता है नकली वाल। तो देखिए स्टोरी कैसी कहा जाती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है देयर वॉज अ मिनिस्टर, एक मंत्री था। इन अ किंगडम, एक राज्य का एक मंत्री था। एज ही ग्रो ओल्ड, जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, एज होता जैसे वह बड़ा होता गया या बूढ़ा होता गया। ही लॉस्ट ऑल हिज हेयर, उसने अपने सारे बाल खो दिए या उसके सारे बाल झड़ गए। ही डिड नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करता था। हिज बाल्ड हेड, अपने गंजे सर को। तो बाल्ड हेड का मतलब होता है गंजे सर को, तो वह अपने गंजे सर को पसंद नहीं करता था। ही फेल्ट उसने महसूस किया, पास्ट का इनडेफिनेट है तो फेल्ट आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसने महसूस किया, इम्ब्राज्ड शर्मिंदगी महसूस की, टू गो आउट बाहर जाने में, उसने बाहर जाने में शर्मिंदगी महसूस की। सो इसलिए टू अवॉइड वह बचता था एनी इम्ब्राजमेंट शर्मिंदगी से, तो वह शर्मिंदगी से बचना चाहता था, ऐसे कह सकते हैं। सो इसलिए वह शर्मिंदगी से बचना चाहता था, किसी भी शर्मिंदगी से बचना चाहता था। ही वेंट टू द मार्केट, वह मार्केट गया, पास्ट का इंडेफिनेट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही वेंट टू द मार्केट, वह मार्केट गया। एंड और वॉट, उसने खरीदा, क्या खरीदा, अ विग टू कवर, एक कवर खरीदा नकली बालों का एक कवर खरीदा। हिज हेड, अपने सर के लिए, तो उसने अपने सर के लिए नकली बालों का एक कवर खरीदा। ही चूज, उसने चुना, अ विग एक नकली बाल, कैसे घने थिक होते हैं, घने थिक होता है घने, ब्लैक काले हेयर वाल, तो उसने घने काले वालों वाला एक कवर चूज़ किया, पसंद किया या ख़रीदा। ही लाइक्ड द विग अलॉट, ही लाइक्ड, उसने पसंद किया बहुत अधिक विग को, नकली वालों को उसने बहुत ज़्यादा पसंद किया, अलॉट होता बहुत अधिक। ही वुड ऑफन, वह अक्सर लुक एट देखता हिमसेल्फ खुद को। ही वुड ऑफन, वह अक्सर, ऑफन होता अक्सर, तो वह अक्सर खुद को देखता इन द मिरर, किसमें, शीशे में। एंड और से कहता, और वो कहता, हाउ हैंडसम मैं कितना सुंदर हूँ। आई लुक विद द विग मैं दिखाई देता हूँ किसके साथ, विग के साथ, मैं कितना सुंदर दिखाई देता हूँ। ठीक, अगर पढ़े वन डे, एक दिन, ही वेंट सेलिंग, एक दिन वह गया सेलिंग, जल यात्रा, पता हो ये सेलिंग है जल यात्रा या समुद्र की यात्रा, तो देखिए ये मंत्री है, वो ये नाव है, वो ये क्या है, जल में यात्रा कर रहे हैं। तो वन डे, एक दिन, ही वेंट सेलिंग, वो जल यात्रा पर गए विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, जो मंत्री थे वो अपने दोस्तों के साथ कहाँ गए हैं, जल यात्रा पर गए हैं। इट वॉज अ वेरी वाइंडी डे, यह बहुत हवाओं भरा दिन था, यह है बहुत हवाओं भरा, बाइंडी डे का मतलब होता हवाओं भरा दिन था। द मिनिस्टर एंड हिज फ्रेंड्स, मिनिस्टर और उसके दोस्त वर इन्जॉइंग, वो आनंद ले रहे थे। देयर बोट, अपनी बोट के चलाने का, राइड होता चलाना, तो मिनिस्टर उसके दोस्त बोट को चलाने का आनंद ले रहे थे। पास्ट का कंटिन्यूस है। आगे पढ़ें, सडनली अचानक अ स्ट्रॉन्ग गस्ट, एक तेज हवा का झोंका आया, गस्ट का मतलब होता तेज हवा का झोंका आया। द बाइंड नॉक्ड ऑफ, किसने, वाइंड ने, मतलब हवा ने नॉक्ड ऑफ कर दिया, मतलब गिरा दिया, द मिनिस्टर्स विग, मिनिस्टर के विग को गिरा दिया, मतलब मिनिस्टर के जो नकली बाल थे उनको गिरा दिया, किसने, वाइंड ने, वाइंड होता क्या, हवा का झोंका, हवा होती है, तो उसने नॉक ऑफ कर दिया, मतलब नॉक्ड ऑफ कर दिया, मतलब गिरा दिया है। अगर पढ़ें, व्हेन जब हिज फ्रेंड्स उसके दोस्तों ने देखा हिम, उसे, विदाउट द विग, बिना विग के उसे देखा, दे कुड नॉट कंट्रोल, वे कंट्रोल नहीं कर सके, देयर लाफ्टर, अपनी हंसी को, वे कंट्रोल नहीं कर सके अपनी हंसी को। ओके, द मिनिस्टर फेल्ड, मिनिस्टर ने महसूस किया, वेरी इम्प्रेस्ड, मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा
शर्मिंदगी महसूस की। पास्ट का इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस की, बट परंतु लेटर बाद में ही टू स्टार्टेड, वह भी लाफिंग हंसने लगा। ये जो स्टार्टेड का केस है तो ये लगा लगे पड़ते हैं इसको, तो वह भी ठोता भी वह भी हंसने लगा। ही नो लॉन्गर फेल्ट असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उसने नो लॉन्गर अब और नहीं फेल्ट महसूस किया असेम्ड शर्मिंदगी, तो उसने अब और शर्मिंदगी महसूस नहीं की। ऑफ हिमसेल्फ खुद पर, तो उसने खुद पर शर्मिंदगी महसूस अब और नहीं की। तो देखिए इस मोरल ने क्या सिखाया है, वन शुड एक्सेप्ट वन सेल्फ विदाउट बीइंग असेम्ड। वन शुड एक्सेप्ट, खुद को स्वीकार करना चाहिए, शुड होता चाहिए, खुद को स्वीकार करना चाहिए विदाउट बीइंग असेम्ड, बिना शर्मिंदगी के। तो बिना शर्मिंदगी के खुद को स्वीकार करना चाहिए, अब जैसी कंडीशन में है वैसे ही खुद को स्वीकार कर। अब इसकी वर्ड फॉर पढ़ लेते हैं, द विग होता नकली वाल, किंगडम होता राज्य, एज होता जैसे, ग्रो होता बड़े होना, लॉस्ट होता खो देना, बाल्ड हेड का मतलब होता गंजा सिर, फील फेल्ट, फील होता महसूस करना, फेल्ट हो जाएगा महसूस की अवर की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, इम्ब्रास माइंड होता शर्मिंदगी, इम्ब्रास माइंड शर्मिंदगी होती है, वोट होता खरीद लिया, वाई की सेकंड थर्ड फॉर्म है वोट खरीद लिया, चूज होता चुना, लेटर होता बाद में और ये लेटर होता पत्र, ठू होता भी या बहुत अधिक, असेम्ड ऑफ होता शर्म की बात, असेम्ड ऑफ शर्म की बात होती है। आगे है थिक ब्लैक हेयर, थिक ब्लैक हेयर होता घने काले बाल, अलर्ट होता बहुत, ऑफन होता अक्सर, हिमसेल्फ होता स्वयं या खुद, मिरर होता आईना या शीशा, सेलिंग होता जलयात्रा, ये जो सेलिंग है ये जलयात्रा है, वाइंडी डे हवा भरा दिन होता है, वाइंडी डे हवा भरा दिन, राइड होता छुटकारा, गश्त होता झोंका, वाइंड होता या होती है हवा, वाइंड होती है हवा, विलो होता आया या दिया या ठीक, नॉकड ऑफ होता है गिरा देना, नॉकड ऑफ मार कर गिरा देना भी होता है, हिमसेल्फ होता स्वयं या नो लॉन्गर होता अब और नहीं, गेट राइड ऑफ होता छुटकारा पाना, गेट राइड ऑफ काफ़ी आईएमपी वर्ड है तो ये होता छुटकारा पाना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।